सो दोस्तों, TNPL का मैच नंबर 8 खेला जाएगा DD एंड SMP के बीच में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले अपना ड्रीम 11 प्रेडिक्शंस। मैं आप लोगों के साथ पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन कौन सा की प्लेयर होगा स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए, कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एक एक करके प्लेयर्स के बारे में देखेंगे सभी प्लेयर की, कौन सा प्लेयर्स इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, किस किस बॉलर्स को आपको पिक करना होगा, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो इसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और प्रेडिक्शंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। सो डीडी की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो बाबा इंद्रजीत के साथ एआरओ ओपनिंग करने आएगा, उसके बाद बीबी कुमार, उसके बाद विमल कुमार और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन एंड शिवम सिंह। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखेंगे ऑलराउंडर की बात करें तो पी सर्वनन कुमार, माधवेनन एम, वरुण चक्रवर्ती, सतीश कुमार एंड सुबोध भाटी आपको खेलता हुआ दिख जाएगा डीडी की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर आप SMP की प्लेइंग 11 की बात करें तो एस कार्तिक के साथ सी हरि निशांत, उसके बाद जे कौशिक, वाशिंगटन सुंदर, स्वप्निल सिंह, एडी लिंगेश, मॉर्गन अश्विन, डी सुधान एंड बी सूर्या, जी सिंह एंड डी राहुल आपको बॉलिंग के ऑप्शन में दिख जाएगा। सो ये होगा SMP का प्लेइंग 11। आप बात कर रहे थे पिच रिपोर्ट की, सो ये जो मैच खेला जाएगा, ये खेला जाएगा NPR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर, ये मैच खेला जाएगा। पिच की अगर बात करें तो ये ओवरऑल एक बैटिंग पिच है एंड अगर बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहता है, सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स भी यहाँ पर विकेट चटकाता है। सो आपको सोच समझ के प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा। आप देख लेते हैं हेड टू हेड, और हेड टू हेड की बात करें तो इस सीजन की अगर बात करें, रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो रिसेंटली यहाँ पर एक मैच खेला है दोनों ही टीमों ने। DD अपना पिछले मैच जीत करा रहा है एंड SMP अपना पिछले मैच हार करा रहा है। एंड पॉइंट्स टेबल भी अगर आप देखेंगे तो DD तीसरे नंबर पर मौजूद है एंड SMP की बात करें तो 8 नंबर पर मौजूद है, क्योंकि अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है SMP। आप बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए मास्ट पिक ऑप्शन है। स्मॉल लीग की मास्ट पिक ऑप्शन की अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती आपके लिए मास्ट पिक ऑप्शन है DD की तरफ से एंड सुबोध भाटी आपके लिए मास्ट पिक ऑप्शन है DD की तरफ से। दोनों ही बहुत ही अच्छा प्लेयर्स है, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है एंड सुबोध भाटी भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, दोनों ने ही पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सो ये दोनों आपके लिए मास्ट पिक ऑप्शन है। बाकी रविचंद्रन अश्विन को तो ऑटो पिक है, वो सभी लोग उसको पिक करने वाले हैं। उसके बाद SMP की बात करें तो सी हरीश निशांत एंड डी राहुल आपके लिए मास्ट पिक ऑप्शन है स्मॉल लीग में आपको इन दोनों को पिक करना ही पड़ेगा। दोनों का ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है पिछले मैच में, बट पिछले मैच SMP क्योंकि हार गया था उसके लिए बहुत से लोग इसको पिक नहीं करने वाले डी राहुल को, बट ये मास्ट पिक ऑप्शन है, इसको आप पिक जरूर करके रखना। आप बात कर रहे थे ग्रैंड लीग की रिस्की ऑप्शन की, जो कि आपको ग्रैंड लीग जीतने में हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। सबसे पहले DD की बात करें तो आर विमल कुमार आपके लिए ग्रैंड लीग में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, उसी के साथ साथ शरद कुमार भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है ग्रैंड लीग में। सो इन दोनों को आप पिक कर सकते हो अपनी टीम एंड कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। उसके बाद SMP की बात करें तो मॉर्गन अश्विन आपके लिए अच्छा वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है ग्रैंड लीग में एंड गुरजपनीत सिंह की अगर बात करें तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है ग्रैंड लीग में। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट ऐसे ही नॉर्मल प्लेयर आप इसको पिक कर सकते हो। आप बात कर रहे थे स्मॉल लीग की प्लेयर्स की दोनों टीमों की तरफ से, दोनों टीमों की तरफ से जो जो प्लेयर्स का नाम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इन प्लेयर्स का यूज करके ही आपको स्मॉल लीग का टीम क्रिएट करना होगा। एक दो प्लेयर्स को आप चेंजेस कर सकते हो चाहे तो, बट मोस्टली आपको यही प्लेयर्स अपनी टीम में रखना होगा तभी आप स्मॉल लीग को विन कर सकते हो। सबसे पहले DD की तरफ से देख लो तो बाबा इंद्रजीत मास्ट पिक ऑप्शन है, एस अरुण, रविचंद्रन अश्विन, शिवम सिंह एंड वरुण चक्रवर्ती, ये पांचों प्लेयर्स आपके लिए मास्ट पिक ऑप्शन है स्मॉल लीग में। उसके बाद SMP की तरफ से देख लेते एस कार्तिक, एस हरीश, नीताश आपको बने बाजले ही बताया। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का अच्छा वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है आपके लिए स्मॉल लीग में। उसके बाद मॉर्गन अश्विन मैंने बताया आप लोगों के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है ग्रैंड लीग में एंड बी सूर्या आपके लिए बॉलिंग में अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो ये जो 10 प्लेयर्स का नाम मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इन 10 प्लेयर्स में से आपको एटलीस्ट 9 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा एंड बाकी 3 प्लेयर्स को आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। आप बात कर रहे थे कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, इस मैच में लिए कौन कौन सा आपके लिए अच्छा कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है स्मॉल लीग में। सबसे पहले एस अरुण आपके लिए अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन है, रविचंद्रन अश्विन का अच्छा वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है, वरुण चक्रवर्ती अच्छा वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है, सी हरीश नीतीश आपके लिए अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन है एंड वाशिंगटन सुंदर भी आपके लिए एक कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छा ऑप्शन है। आप इन प्लेयर्स में से स्मॉल लीग में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया विमल कुमार आपके लिए अच्छा कैप्टनसी वाइस कैप्टन ऑप्शन है, मॉर्गन अश्विन आपके लिए अच्छा वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। बाकी मेरा जो फाइनल टीम होगा वो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, अभी मैं आप लोगों के साथ टीम शेयर नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो फाइनल टीम होगा मैं डायरेक्टली आप लोगों को टेलीग्राम पर मैच शुरू होने से 20 मिनट्स पहले आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और ड्रीम 11 प्रोडक्शन रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए।